बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो केटीएल में आज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ आपके खेत में फिर से हाजिर हूँ। तो आज मैं आपको घर पर फाउंडेशन का एक बहुत अच्छा आसान तरीका बताऊँगी, जो कि आपको फाउंडेशन की रिजल्ट भी देगा और साथ आपकी स्किन को वाइटनिंग भी देगा, क्योंकि ये फाउंडेशन मैं इन इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाने लगी हूँ जो कि आपको वाइटनिंग भी देंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, अपनी वीडियो के पहले हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो फ्रेंड मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को मस्टली प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, तमाम लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो के पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपने दो क्रीम्स जो है, मैं आपको बताऊंगी सिर्फ दो क्रीम्स आप जो यूज़ करते हैं, बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, हर कोई इसको यूज़ कर चुका होगा और कर भी रहा होगा, उन दोनों को मिलाकर आपको फाउंडेशन बनाने का तरीका बताऊंगी, क्योंकि इससे आपको फाउंडेशन के साथ साथ वाइटनिंग के रिजल्ट भी मिलेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी क्रीम्स जो हैं वो आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। पहली क्रीम जो है हम पॉन्ड्स टोनअप क्रीम लेंगे, इसको मिल्क वाइट क्रीम भी कहा जाता है, और इसके मैं कंप्लीट रिव्यू पहले बना चुकी हूँ, अगर आपने वो वॉच नहीं किया तो आप वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाली क्रीम लेंगे, इसको टोनअप पॉन्ड्स टोनअप क्रीम कहते हैं, जो आपकी स्किन को फाउंडेशन लुक देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसके साथ हम तिब्बत स्नो क्रीम ऐड करेंगे। तिब्बत स्नो क्रीम पर मैं पहले बहुत सी वीडियोस बना चुकी हूँ, तो सिर्फ दो ये क्रीम्स आपने लेनी है। इन दोनों को अगर मिक्स करके आप लगाएंगे तो आपको फाउंडेशन लुक आ जाएगी। आपको मैं लाइव रिजल्ट्स बताती हूँ और आपको बताती हूँ आप किस तरह से इसको यूज़ करना है। थोड़ी सी क्वान्टिटी में आपने तिब्बत क्रीम लेनी है, ठीक है, बिल्कुल इतनी सी क्वान्टिटी में आपने फेस पर लगा लीजिएगा, और थोड़ी सी क्वान्टिटी में ही आपने पॉन्ड्स जो टोनअप क्रीम है वो लेनी है, ठीक है, सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी में। तो ये दोनों क्रीम्स आपने ले ली है। तो ये दोनों क्रीम्स लेने के बाद आपने इनको इसी तरह अपने फेस पर लगाना है, और इस तरह से आपने मिक्स करते जाना है और मसाज करते जाना है, जब तक ये आपकी स्किन में अब्सॉर्ब नहीं हुआ। दो से तीन मिनट में ये आपकी स्किन के अंदर बिल्कुल अब्सॉर्ब हो जाएगी और आप रिजल्ट देख सकते हैं, लग रहा है ना कि यहाँ पे आपने कोई अच्छी कॉम्प्लेक्शन की फाउंडेशन लगाई है, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, बिल्कुल फाउंडेशन लुक देते हैं और ये आपको वाइटनिंग भी देता है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा, जैसे कि फाउंडेशन से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो ये जो मैं आपको फाउंडेशन बता रही हूँ, इससे आपकी स्किन को वाइटनिंग मिलती जाएगी, जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपको वाइटनिंग मिलती जाएगी। इसके रिजल्ट इतने अमेजिंग है और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, आप इसको तकरीबन 12 से 13 घंटे तक अपनी स्किन पर फील कर सकेंगे कि आपको बहुत अच्छी वाइटनिंग मिल रही है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। मैं तो इसको यूज़ करती हूँ, तकरीबन 1 महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए इसके रिजल्ट्स कितने ज़्यादा अमेजिंग है और साफ साफ पता चल रहा है कि कोई अच्छे ब्रांड का आपने मेकअप अप्लाई किया, तो इतने अच्छे रिजल्ट्स की आज मैंने आपको फाउंडेशन बताई है। आपके पास ये क्रीम ज़रूर पड़ी होंगी, आप आज ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।